तो भाई आमिर खान नेक्स्ट क्या है? इवन आमिर खान के फैंस भी है जो कि लाइक थोड़ा सा लाइक एंथुजियास्टिक वे में सब जगह पे पता कर रहे चीज़ों को क्या है, बिकॉज वो बंदा वो क्या है, ये वो लिटरली यार उसके पास सब कुछ था यार, सब कुछ। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जर्नी उसी का था 2018 तक। मैं मतलब हाथ में सारे चीज़ें थी उसकी, मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें रहते हुए उसने गवाया है। तो चलो ठीक है यार, टैलेंटेड है एंड लाइक क्राउड पुलिंग, बॉक्स ऑफिस पुल तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन सिनेमा में जितना डिस्ट्रक्टिव लेवल पे ये बॉक्स ऑफिस पुल करता है, उतने डिस्ट्रक्टिव लेवल में पूरे भारत के अंदर में किसी स्टार को मैंने नहीं देखा उतने लेवल की डिस्ट्रक्टिव पुल को करते हुए। डिस्ट्रक्टिव क्राउड, डिस्ट्रक्टिव नंबर्स, लाइफ टाइम नंबर्स करते हुए, तो वो चीज़ तो है भाई। वो उस ज़माने से कर रहा है जिस ज़माने में अपन सब चड्डी में घूमते थे, उस ज़माने से कर रहा है वो। तो कमिंग टू द पॉइंट कि आमिर खान का कमबैक एज वेल एज आमिर खान नेक्स्ट जो कि सितारे ज़मीन पर है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उस पर कुछ चीज़ें रीमेक ना हो प्रॉपर उसको। लाइक एक चीज़ है कि वो आमिर खान प्रोडक्शन में बन रही है, तो मेरे को थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ कि चलो ठीक है। लाइक एक पूरी आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, वो जियो वियो इंटरफेयर नहीं कर रहे उसमें, लेकिन लाल सिंह चड्ढा में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, तो वो मूवी बन रही है। तो लेट्स सी कि वो मूवी क्या होती है। जहाँ तक मैंने कुछ लोगों से पता किया कि उसके बाद आमिर खान इज़ गोइंग फॉर अ मूवी लाइक, वो क्या मूवी है यार, वो एक सॉन्ग बेस्ड मूवी है, लाइक किसी का बायोपिक है, वो किसी ने बोला। और ये महाराजा का रीमेक कर रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा लाइक सही नहीं लग रहा है, ये करेक्ट अपडेट नहीं लग रहा है, ये रूमर्ड है। बिकॉज ये जहाँ तक मेरे अपडेट्स वालों से पूछे तो वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये सब फलाना बातें, ये सब नौटंकी वाली बातें, ये किसी ने स्प्रेड स्टार्ट किया है। वो शायद मे भी वो प्रोडक्शन हाउस कर रहा हो, आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस कर रही हो, आमिर खान नहीं हो उस मूवी के अंदर में, बट कोई कर रहा हो। बट अगर वो हुआ तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई साहब गदम हो गया, फिनिश्ड, दैट्स इट। बहुत टफ है उसके बाद कमबैक करना, बट वो नहीं है। और जहाँ आमिर खान सेलेक्टिव स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हैं लाइक सितारे ज़मीन पर, वो कितनी सेलेक्टिव है उसकी, उसका जो टीज़र आएगा तभी पता चल जाएगा भाई ओरिजिनल क्या है यार। भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ही एक मूवी ऐसी थी जो लाइक ख़राब गई आपकी। उसके बाद आप इतना ट्रैक से हट गए, आप मतलब कि आप उल्टी पुल्टी चीज़ें करना चालू कर दिया आपने। उसके बाद आप 4 साल लेकर बनाते हो लाल सिंह चड्ढा, मैंने क्या ज़रूरत ही नहीं है, कोई कुछ नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो भाई। अक्षय कुमार को देखो भाई, वो मैं लिटरली ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से कमबैक होना बहुत टफ है उस बंदे का। उसके ऊपर से वो ईगोइस्टिक बन के घूम रहे हैं वहाँ पर कि मैं किसी के घर जाऊँ, ये फलाना डमकाना कर रहा है। सो नथिंग हैज़ बीन हैपेंड येट विथ यू। सिर्फ 2 ही फ्लॉप गए, वो 2 फ्लॉप में भी एक ऑलरेडी सबसे बड़ी ओपनर है, 50 करोड़ मार कर बैठी हुई, 150 करोड़ देकर बैठी हुई, वो क्या है, आराम से कुछ नहीं हुआ डिबैकल, कुछ नहीं हुआ, आराम से जा सकता है। स्टार इतना ख़तरनाक है कि 2 साल में एक बार, मुझे आज भी याद है, हम स्कूल में थे, हम हमेशा लाइक सोचते थे कि लाइक शाहरुख खान ने ये मूवी दे दिया, सलमान खान ने ये मूवी दे दिया, ऋतिक रोशन ने ये मूवी दे दिया। फिर कोई हमारे बीच में ग्रुप में बैठकर बोलता है कि आमिर खान, वो फ़ैन कोई नहीं होता है उसका, बट वो बोलता है भाई आमिर खान आया ना भाई धागा खोल देगा, क्योंकि वो 2 साल में एक बार आता है, वो इस साल आ रहा है, क्रिसमस में आ रहा है भाई, डिस्ट्रक्शन करके चला जाएगा, वो ख़त्म कर देगा सारा। और वही होता है भाई। मैं लिटरली ये बंदे का सोच रहा हूँ, इसने ATG दिया हुआ है, ऑल टाइम ग्रॉसर्स दिए हुए उस ज़माने में, ऑल टाइम ग्रॉसर्स लाइक एक दिया टॉप, उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसकी अगली मूवी अगले साल उसके रिकॉर्ड को तोड़कर ATG बन गई। एग्जैक्टली लाइक ये चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ 2 ही सुपर स्टार्स ने आज तक के हिस्ट्री में किया हुआ है, एक शाहरुख खान, दूसरा आमिर खान। ATG पहला, पिछला मूवी भी ATG है, अगला मूवी भी ATG है। तो आराम से बैठो, आराम से चिल मारो, चीज़ों को होने के लिए टाइम लगता है। एंड आई थिंक आमिर खान विल डू अ ग्रेट कमबैक अगर भाई वो रीमेक वगैरह को टच नहीं करता है तो लेट्स सी क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने।